राधे राधे दोस्तों, पौराणिक कथा से जाने कैसे और क्यों लगा चांद पर दाग। श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद में 56वें अध्याय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चांद के दर्शन कर लिए थे और उन्हें 17 जीत की समय तक मणि की चोरी का कलंक लगा दिया था। उन्होंने इस कलंक को मिटाने के लिए मणि को ढूंढ निकाला तथा 17 जीत को उनकी मणि लौटाकर उस कलंक को मिटाया था। लज्जित हुए 17 जीत ने तब अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और साथ ही वह मणि भी भगवान को लौटा दी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति कलंक चौथ के दिन यदि चंद्रमा के दर्शन अचानक ही कर ले तो वह श्रीमद् भागवत पुराण की इस कथा को पढ़ने और सुनाने से कलंक मुक्त हो जाता है। पंडित आदित्य प्रकाश शुक्ला के अनुसार 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा को अपनी खूबसूरती पर अभिमान हो गया। एक बार उसने भगवान श्री गणेश के गजमुख एवं लंबोदर स्वरूप को देखकर उनका उपहास किया, जिससे श्री गणेश नाराज हो गए और उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने चंद्रमा को बदसूरत होने का श्राप देते हुए कहा कि जो भी कोई अब से चांद को देखेगा उस पर झूठा कलंक जरूर लगेगा। इस श्राप को सुनकर चंद्रमा दुखी हुए और छिप कर बैठ गए। तब भगवान श्री नारद जी ने सोचा कि चंद्रमा ने ना केवल निकलने पर सृष्टि चक्र में बाधा होगी, तब उन्होंने चंद्रमा को भगवान श्री गणेश जी का लड्डू और मालपूड़ों से भोग के साथ पूजन करने की सलाह दी। चंद्रमा ने तब भगवान श्री गणेश जी का पूजन और स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया और श्राप से मुक्त करने के लिए उनसे प्रार्थना भी की। उनकी प्रार्थना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्राप को सीमित करते हुए कहा कि जो कोई भाद्रपद मास की चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेगा उसे अवश्य कलंकित होना पड़ेगा। इसी कारण इस चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। मान्यता है कि जो लोग नियमित रूप से चंद्र दर्शन करते हैं वे चंद्र दर्शन के अशुभ प्रभाव से बचे रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी, जो कि थी पौराणिक कथा के अनुसार कि चांद पर दाग कैसे लगा, क्यों लगा और किसने श्राप दिया था, जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।